मुझे पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग जानते हैं मुझे ऑलमोस्ट सारे ऑनर्स अवार्ड्स मिल चुके हैं ले चुक अप्लाई लेकिन कर रहा हूँ पेंटिंग बोले में पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मैं सोता ही बहुत कम था कॉलेज हमारे लिए ये नहीं रहा कि नहीं यार ये सेकेंडरी अब तो हमें मिल गया एडमिशन तीन सौ रुपए डे और नहीने

तो लगता है कि आपका आर्ट ना बाहर आ सकता है। वो जगहें ऐसी है कि आपको मन करेगा यार मैं कौन सी जगह बैठूं? अब मैं इसको पेंट करूं या इसको करूं क्या करूं मैं बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट बहुत सारी दुनिया के सामने बहुत लोगों के सामने फेमस हैं यहाँ पर लेवल पर डिफाइन करा जाता है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं ठीक है, <laughs> है? आप आर्टिस्ट को तभी याद रखते हो जब वो आपको कुछ सिखा जाए स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में पाउड बाय ओल आर्ट स्टूडियो मैं आपका होस्ट करण वीर आज जिस कलाकार से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनके लिए मुझे साहिल साहब का एक शेर याद आ रहा है कि चेहरे पर खुशी छा जाती है आंखों में सुरूर आ जाता है जब वो हमें अपना कहते हैं हमें अपने पे गुरूर आ जाता है जैसे बॉलीवुड में अनिल कपूर एवरग्रीन ग्रीन रहे वैसी आर्ट की फील्ड में हमारे अमित कपूर एवरग्रीन रहे अमित कपूर साहब नमस्कार कैसे हो साहब बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर अमित कपूर द आर्टिस्ट अमित कपूर तक का सफर कैसा रहा देखिए अमित कपूर ही नहीं कोई भी आर्टिस्ट अगर बात करें तो उसकी जर्नी बहुत आसान नहीं होती एज एन पेंटर और डेफिनेटली आर्ट की फील्ड एक एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप अगर एडवर्टाइजमेंट में होते हो एडवर्टाइजिंग लाइव में होते हो तो आप को लोग बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं नहीं हैं लेकिन एज अ पेंटर अगर आप पेंटिंग कर रहे होते हो या आप स्कल्टर होते हो तो डेफ़िनेटली बहुत से लोग जानते हैं आपको बिल्कुल लेकिन वो आपको तभी जान सकते हैं जब आप आ, कुछ ऐसा काम करें जो आप उन तक पहुंच पाए जी उनके दिल तक आपका काम पहुंच पाए या आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं वो वो वहाँ तक कन्वे हो जाए मैसेज जी तो कभी भी ये हमारी फील्ड इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों को लगती है लगती है राइट तो जर्नी बहुत ही टफ थी आ, सच कहूँ तो बहुत स्ट्रगल किया आ, स्ट्रगल से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करी जॉब मिली नहीं मिली और आपने पेंटिंग शुरू कर दी और आप यहाँ तक आ गए आ, उसके बीच में बहुत सारी लंबी चीज़ें थी जैसे अगर मैं शुरुआत करूँ कि अपने कॉलेज के टाइम पर ही पहले तो आर्ट कॉलेज में जी आपका एंटर होना ही इतना आसान नहीं है आप सब जानते हैं कि अगर आप आ, आर्ट की फील्ड को समझते हैं जी तो वहाँ पर एंट्रेंस क्लियर करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है बिल्कुल तो वो चैलेंज सबसे पहला स्टेप वहाँ से क्लियर हुआ।, हुआ वो क्लियर हुआ जी लेकिन वो क्लियर होने के बाद भी क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से था जहाँ पर मेरे फादर जॉब करते थे गवर्नमेंट जॉब में थे जी और उस टाइम पे पे कमीशन नहीं होता था जिसमें आ, बड़ा मजा आ रहा हो आप आर अर्निंग मतलब इतना बढ़िया कि कि आप जो भी सोचते हैं जो भी करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं बिल्कुल तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था तो हम स्ट्रगल ही कर रहे थे फाइनेंशियली भी और बड़े खराब दिन भी देखे तो मैं उस रूट से आया हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि मैंने कहा से लेकर मेरे याज यहां तक मैं आया हूँ तो वो कितनी बड़ी स्ट्रगल थी तो उसको करने के लिए कोई ऐसा नहीं था कि दिमाग में सोचा होगा कि यार मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा कोई किस कोई भी सेट करता नहीं है वो अपने आप होता चला जाता है तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ एंड मैंने स्टार्ट किया कि मेरे एक मेरा क्लासमेट था और हम दोनों दिल्ली में ही एक जगह है पांडव नगर तो उनका स्टूडियो हुआ करता था जो हमारे जानकार थे तो उन उनके पर हम जाकर पॉट्स के ऊपर जो आपने देखा ना पॉटरी बड़े बड़े पॉट्स होते जी बहुत बड़े-बड़े साइज के पॉट्स होते थे और हम वहां जाके आ, पेंट करते थे, थे। ज्वाइन दिन दिन किया था नाइनटी एट में मैंने पास आउट किया था नाइनटी एट में पास आउट किया था राइट आप दिल्ली से ही थे शुरू से दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ और जो कुछ भी सीखा यहीं पर ही सीखा तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई दिन रात आपको नींद आ रही है लेकिन वो सामने बैठे हुए हैं आप सो भी नहीं पा रहे रात के एक बज गए दो बज गए लेकिन टारगेट दिया हुआ है आप पेंट कर रहे हो तो वो चीज़ें वहाँ से जो सीखना शुरू हुआ मैं उसको सोचूंगा मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा टाइम था जहां पर मुझे उस टाइम ने यह सिखाया कि बेटे आसान नहीं है अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी चाहे वो रात के एक बजे चाहे रात के चार बजे तीन बजे आप अगर सामने वाला बोल रहे हैं आपको काम करना का तो करना पड़ेगा बिल्कुल तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल जो अकेडमी का खा करके उन दोनों कैसे बैलेंस करते थे मैं सोता ही बहुत कम था जी मैं वहां से जाता था कॉलेज लेकिन मैंने कभी कॉलेज को इग्नोर नहीं की कॉलेज इतनी मुश्किल से आपको मिलता है वो भी आर्ट कॉलेज और आप उसके अंदर उसको मिस करते चले जाओ और अपना प्रोफेशनल काम करते रहो वो जस्टिस नहीं है उस कॉलेज के लिए जो बच्चे आज करते हैं राइट तो हम हमारे टाइम पर भी बच्चों को लगता है कि क्या ऐसा नहीं होता था कि उस टाइप पे लोगों को काम नहीं मिलता था बिल्कुल मिलता था बहुत काम करते थे कोई इलस्ट्रेशन का काम कर रहा था कोई वॉल पेंटिंग का काम कर रहा था प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर होता उसके लिए कितने काम आते थे और वो दिन रात हम वहां पर जाके काम करते थे लेकिन

बिल्कुल सही है ना तो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ की जो असली मैं कह रहा हूँ कि जो चैलेंज था वो वहाँ से शुरू हुआ कि दिन रात काम किया और एक्रेलिक में होता था वहाँ तो आ, वो हमने मैंने पॉट्स मेरे फ्रेंड ने वही रुक पॉट्स के ऊपर पेंटिंग स्टार्ट करी और आप यकीन नहीं मानो कि, कि लेबर की तरह लोडिंग भी करवाते थे और ट्रक के ऊपर बैठ के जाते भी थे क्योंकि उसकी एग्जीबिशन करते थे वो हाँ। तो सारा कुछ काम किया और कितने पैसे मिलते थे इस अब पैसे अगर मैंने आपको बताया तो आपको बड़ी हैरानी होगी जी आ, पैसे के नाम पर मुझे सबसे पहले उन्होंने सिर्फ तीन सौ रुपए दिए थे और मुझे बड़ा दुख लगा जी कि यार तीन सौ रुपए मैं क्या इतना दिन रात काम करके पूरे महीने

तो वो मुझे अभी वहाँ पर अभी सीखने को बाकी था जी मुझे वो चैलेंजिंग लग रहा था और वो मुझे और करना तो मैं करता चला गया फिर धीरे धीरे वहां से हट के वो भी बंद हो गया तो वहां से हट के मैंने आ, अपने सीनियर सीनियर के अंडर ही एक काम को समझा और पकड़ा जी फ्री लांसी जिसमें सूट्स और जो दुपट्टे होते ना उनके ऊपर हैंड पेंटिंग के अच्छा तो वो बिग जॉस एमिनी और बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर वो एग्जीबिशन करते थे अरे वाह उनको लेकर और वो मुझे ठीक ठाक पैसा मिलता था तो छपाई नहीं होती थी वो छपाई वाली चीज तो अलग अलग हो गई ना लेकिन वो हैंड प्रिंटेड होते थे वो हैंड प्रिंटेड सूट्स और जो सूट्स वगैरह होते हैं ना साड़ी सूट उनकी एक अलग कॉस्ट है वो हजारों लाखों रुपए में बिकती हैं महंगी बिकती हैं बहुत महंगी बिकती है तो मैंने वो दिन रात वो भी शुरू कर दिया जरा ये कौन से ईयर की बात है कॉलेज में मैं आपको बोलूंगा कि सेकेंड ईयर के लास्ट फेज से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था और वो पॉट्स के ऊपर मैंने फर्स्ट ईयर में शुरू कर दिया कॉलेज में घुसते हाँ थोड़े दिन के बाद जी लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी काम करने की कि मेरे मेरे क्लासमेट था मनीष जी और एक लड़का था प्रकाश तो हम तीनों ने प्लान बनाया कि हम बाहर निकलते हैं और जाके आउटडोर्स करते हैं और मेक अ ट्रिप नाउ तो हम पिंगजोर शिमला यहाँ चले गए पेंग करने पेंग जी तो मुझे वाटर कलर्स बहुत ज्यादा आकर्षित करते थे लेकिन मुझे बहुत ज्यादा करना नहीं आता था उसको कि मतलब मैंने जब मरीज का काम देखा तो मुझे लगा कि यार ये जो इम्पैक्ट है ना वाटर कलर के अंदर जो ऊपर पानी डाला और नीचे से रेस सी दिख रही है कुछ सन आ रहा है और कैसे वो क्या है मैं थोड़ा सा उसको देख कर मुझे बड़ा फैसिनेट किया उससे जी बस हम वहाँ गए वहाँ हमने सीखा और हम डे नाइट नाइट में हम सारे दोस्त रखते थे मेरे ही फ्लैट में मेरा फ्लैट खाली था तो वहाँ रखते थे और फैमिली से अलग रहते थे नहीं फैमिली मेरी बहुत पास में रहती थी, थी लेकिन हमने एक और फ्लैट लिया हुआ था पे एक अपार्टमेंट लिया हुआ था गौतम नगर में गौतम तो सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे जो काम करने वाले थे सारे एक साथ आगे सब एक साथ ही रुकते थे और रात भर बैठ के हम लाइव ड्राइंग करते थे और वो लाइव ड्राइंग से हमें बहुत कुछ सीखने को वो मिला और स्पेशली मनीष से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला उसकी ड्राइंग बहुत स्ट्रांग थी और मुझे था कि यार मुझे एक दिन इसको पीछे तोड़ना है यार हेल्दी कॉम्पिटिशन हेल्दी कॉम्पिटिशन कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं उसको नीचे गिरा कर या नीचा दिखाकर करू कोई काम ही बहुत कुछ सीखा और मैं आज भी कहता हूं कि मैंने उस टाइम पे जितना काम किया शायद मैं अपनी जिंदगी में कर भी नहीं पाऊंगा कि मैंने दिन में अपना कॉलेज का भी काम किया कॉलेज भी गए लेकिन अपना प्रोफेशनल जो हमने काम पकड़े हुए थे फ्रीलांस वो भी किया और रात को फिर हम बैठ के पूरी पूरी रात पर काम भी करते थे और सोते थे जब हम बस में लटक के आते थे तो हम तब सो रहे होते थे तो ये हमारा रूटीन बन गया क्या ये थर्ड ईयर तक रहा जी फोर्थ ईयर में ज्यादा प्रोफेशनल टाइप का हो गया क्योंकि वहां पर मैंने अप्लाइड आर्ट से किया था पेंटिंग से नहीं किया था लेकिन सब लोगों को यह पता था कि ये पेंटिंग में अप्लाइड में नहीं है क्योंकि मैं पेंटिंग में ही बैठा रहा था यह हर बार ना देखने को भी मिलता है कॉलेज में कि पेंटिंग वाला अप्लाइड कैसे बैठा रहता है अप्लाइड वाला पेंटिंग में आता है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ दो तीन ही स्ट्रीम्स है तीन चार स्ट्रीम्स हैं जी जो अप्लाइड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाइड लेते हैं वो मजबूरी में अप्लाइड लेते हैं क्योंकि हम तो, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता और लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ये जो हमारी फील्ड है ना ये अप्लाइड आर्ट लेने के बाद ही सेफ हो सकती है बिल्कुल अदरवाइज अगर आप पेंटिंग लेते हैं स्कल्चर लेते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई आपको जॉब नहीं ले उसके अंदर एक ही जॉब निकल के आती है शायद मैं कहूंगा कि टीचिंग लाइफ यहाँ पर कोई जॉब नहीं है कोई जॉब नहीं इसलिए वो लोग भी एक तरीके से कहीं ना कहीं डिजाइनिंग समझ रहे होते हैं अप्लाइड के साथ दोस्ती करना बच्चों के साथ या वहां पर बैठ जाना समझ जाना कुछ जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो डेफिनेटली कभी भी इंटरेस्ट नहीं है अप्लाइड के अंदर वो पेंटिंग तो कंटिन्यू करते हैं लेकिन मैंने बहुत ही कम लोग देखे हमारे कॉलेज के कि वो पेंटिंग वाला एंड तक पेंटिंग कर रहा है वो सब कमर्शियल कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है कोई एजेंसी में चला गया या कोई Uh, अगर मैं बोलूँ तो मैगजीन uh, में चला गया या न्यूज uh, चैनल्स में चले गए hmm. तो इस तरह से ये देखने को इतिहास है हमारे आर्ट कॉलेज का कि बच्चे जो है ना वो पेंटिंग करने के बाद भी वहाँ चले जाते हैं लेकिन पेंटिंग बहुत ही कम कर रहे होते हैं और मैं बल्कि बोलूंगा जो अप्लाइड वाले होते हैं ना उनमें से दो तीन ऐसे लोग होते हैं जो एंड तक वही पेंटिंग कर रहे होते हैं hmm. तो मेरा भी वही केस है मैंने लिया अप्लाईड लेकिन कर रहा हूँ पेंटिंग पेंटिंग और आप जाने जाते पेंटिंग से हाँ, बिल्कुल तो क्योंकि तो लोगों को पता भी नहीं करते करते मैं कॉलेज से बाहर निकला जी। लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली बड़ा मुश्किल हुआ मुझे बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो लेके घूमना एड एजेंसी में जाना धक्के खाना अप्लाइड होने के बाद बिल्कुल जिसका जिसका अप्रोच होता है सिर्फ उसी को ही मिलता था उस टाइप पे तो यही था जी आज मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो डिज़ाइनिंग में फिर भी इतनी जॉब्स हैं कि आपको जॉब्स मिलती हैं बिल्कुल लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था अब हजारों कंपनियां आ गई हैं सब इतने सारे अब देखो आप कितने रोजगार है कितनी सारी चीजें कितने एड, एड एजेंसीज हैं मैगजीन्स हैं अखबार हैं जी है ना पब्लिकेशन हाउसेज हैं बिल्कुल दे आर मैनी मैनी जॉब्स नाउ अवेलेबल ना तो पहले ऐसा नहीं था तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक ऐड एजेंसी में जॉब मिली फोर्थ ईयर के बाद फोर्थ ईयर के बाद और मैंने अगर मैं गलत दिए तो छः महीने मैंने जॉब करी मुझे मजा नहीं आया क्योंकि तो हर रोज शाम को काम आ जाता था और वो फिर पूरी रात चलता था जी राइट right? तो वो मुझे सिस्टम मज़ा नहीं आया एड एजेंसी घर वाटर कलर छूप चुक चुका था या फिर कम हो चुका था uh, मैं बोलूंगा कि वाटर कलर ऑलमोस्ट मेरे लिए डेड हो गया था क्योंकि मैं एड एजेंसी में आ गया था जहाँ पर मुझे टाइम ही नहीं था टाइम ही नहीं मिलता है आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल देयर बिकॉज कि मैं पेंटिंग नहीं कर पा रहा या ड्रॉइंग नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे ड्रॉइंग से बहुत लगाओ जी तो उसके अंदर मुझे मजा खत्म होना शुरू हो गया मेरा और जब मैं जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं क्यों आ गया हूँ मैं यहाँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं दिल्ली में एक प्रोडक्शन हाउस बुलाता सबसे पहला पिक्सल इंडिया प्रोडक्शन पिक्सल हाँ पिक्सेल इंडिया प्रोडक्शंस जो जीके में खुला था जी ग्रेटकलास्ट टू में तो मैं वहाँ गया टेस्ट देने और मेरा क्योंकि ड्राइंग मेरी भगवान के दया से अच्छी बन गए तो आ, मेरे जो एनिमेशन गुरु है वो पुलिक मकीजा जी आ, सर हैं जो जिनसे मैंने एनिमेशन सीखा वो एनिमेशन था फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ऑन पेपर ऑन लाइट बॉक्सेस जो डिज्नी का करता क्या बात तो मुझे वो चांस मिला और मैं वहां पर सीखा भी और फिर प्रोडक्शन के काम करे आपने देखा होगा विक्स के गली की किचकिच वाला एड वो सब उस टाइम पर हमने बनाए थे डाबर का कैलविनेटर का अरे बहुत सारे और टीवी का सीरियल्स का भी होते थे माइक पांडे जो ग्रीन हाउस अवार्डेड है वो उनका प्रोडक्शन हाउस होता था उनके लिए हमने सीरियल भी बनाया तो बहुत सारे काम करे जी और मैं पागलसा हो गया उसके अंदर क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर रोज ड्रॉ अपनी जो पेंटिंग है उसको चलते हुए देखता हूँ क्या बात जो कैप्टर है जो फ्रेम बाय फ्रेम आप ड्रॉइंग तो आपकी नजरिया चेंज हो जाता है आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपको कैमरे की नॉलेज हो जाती है आपको थिएटर की नॉलेज हो जाती है जो आपके कंपोजिशन के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स कैमरा के स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है वो सारी चीज़ें मुझे सीखने पर मिली और नॉट ओनली दैट मुझे सॉफ्टवेयर सीखने का भी बड़ा शौक तो मैं छुप के सीखता था क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था उसमें घुस रहे थे आ, जो मेरे टीचर मैंने आपको तो बताया जो जिनसे मैंने सीखा आ, मेरे जो डायरेक्टर थे पुनीत मखीजा जी और भी गुरु रहे इनके अलावा डेफिनेटली जो मेरे आ, आर्ट के गुरु रहे जी वो अभी इस दुनिया में नहीं है अशोक वर्मा सर और आ, मैं बहुत मानता हूँ उनको और उनकी जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ जी क्योंकि उन्होंने ही मुझे आर्ट कॉलेज के लिए इनक्रेज किया था और मैं आगे बढ़ा भी सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ क्योंकि मैं स्कूल में भी उन्हीं के पास ही आ, आ, आर्ट डिपार्टमेंट में ही बैठा रहता था जी तो आ, मैं आपको बता रहा था एनिमेशन के बारे में जी। तो वहां पर क्या था कि सॉफ्टवेयर भी आप क्योंकि सिलिकॉन ग्राफिक्स की मशीन्स थी और बहुत ही एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर थे और मशीन थी जी तो उसके अंदर आप उस रूम में घुस नहीं सकते थे तो मैं पीछे से छुप के देखता था कि तर कैसे रहे अच्छा तो जब वो कंपोजिट करते थे और सब कुछ इंक एंड पेंट और कंपोजिटिंग करते थे तो मुझे था कि मैं बना तो रहा हूं लेकिन मैं इसको कंपोजिट कैसे करूंगा मतलब इसको स्क्रीन तक कैसे लेकर आऊंगा एक फाइनल आउटपुट कैसे निकालूंगा तो वो मैंने वहां पर छुप के देखा और धीरे धीरे कोशिश करी करने की खुद से जब वो शाम को सब चले जाते थे तो मैं ऑफिस uh, बॉय को कहता था कि बेटे बैठ खाना मैं खिला रहा हूँ और मैं आपको uh, खाना भी खिलाता हूँ और थोड़े पैसे भी देता हूँ आप जो है ना बस रुको रात के दस बजे चलेंगे यार मैं सीखे मैं जब तक थोड़ा करता था काम और अब अप मैं अपने लिए भी कर पा फिर काम तो मैंने वहां पर बहुत कुछ सीखा फिर आ, ऐसे करते करते मैं किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस में आ गया नहीं। और प्रोडक्शन हाउस से फिर मैंने अपना खोल लिया क्या बात ये दो हजार एक की बात है जब मैंने एनी टून्स खोला था और आज मेरे ख्याल से Uh, कितने तेईस साल हो गए शायद साल हो गए ट्वेंटी थ्री ईयर्स हो गए और ट्वेंटी थ्री ईयर्स से ये चल रहा है बिल्कुल और भगवान की दया से जो मेरे साथ में खुले थे वो सब बंद हो चुके हैं और मैं अभी तक बरकर आया हूँ क्योंकि मैं करना जानता था इसलिए तो आ, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं इसको चलाता चलू और इसको खोलने का मकसद भी सिर्फ मेरा यही था कि जब मैं आर्ट कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि वहां पर आप सिर्फ पढ़ने जाते हो लेकिन आपको वो जॉब नहीं प्रोवाइड करते बिल्कुल जब मैं ऑफिस में गया वहां पर तो मैंने उनसे पूछा कि सर आई बैडली नीड जॉब मुझे जॉब चाहिए यार मतलब मैं करूं क्या अभी सीख लिया आप करना गया हाँ अब मैंने चार साल का कोर्स किया भाई अब मैं आगे करूंगा तो क्या करूं मेरा कोई वो नहीं अप्रोच नहीं है अभी मुझे कुछ करिए आप उन्होंने कहा बेटा नाम लिखवा जा और अगर कुछ होता है तो हम बताते हैं आपको अच्छा बट आज तक तो कोई ऐसा कॉल आया नहीं वहाँ से मुझे और लेकिन एक चीज ये अच्छी हो गई कि उसी कॉलेज में मैंने दो हजार एक या दो हजार दो से पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ लेरी सर थे जी एस एन लेरी जो वहाँ के प्रिंसिपल भी रहे कौन से कॉलेज में कॉलेज वाट की बात कर अच्छा दिल्ली की क्या वाट है तो वहाँ पर आ, मैंने अट्ठारह उन्नीस साल पढ़ाया भी Uh, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाता था फिर बैचलर्स भी पढ़ाता था अप्लाइड आर्ट फिर एनिमेशन भी मैंने पढ़ाया वहाँ पर जी और साथ साथ मेरा प्रोडक्शन हाउस और मेरी uh, अपना अकेडमी भी चल रहा था जी वो करते करते साल गुजर गए यार हम बिजी रहे उसके अंदर एनिमेशन में जी और मज़ा आता रहा लेकिन uh, मैं ये बोलूँगा कि उस टाइप पर फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सोशल साइट्स नहीं थी बहुत ज़्यादा कि अगर मैं बात करूँ कि uh, वहाँ से आपको लोग बहुत ज़्यादा पहचान पाए आज तो आप थोड़ा बहुत काम करते हो और आप डाल देते हो और बोलो देख रहे होते हैं कि अरे ओके यार कौन है यार नहीं सही बात लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले आप कर रहे हो कर रहे हो कोई आपको देखने वाला नहीं है बट वही चीज होती है कि आ, वो टाइम अपना टाइम था जिसमें आपको बहुत कुछ अकेडमिकली सीखने को मिला ना बड़े आज लोग सिर्फ सीख ही नहीं रहे आज लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोशल साइट्स का यूज भी कर रहे हैं जी और बढ़ा भी पा रहे हैं मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल तो वो चीजें वहां से शुरू हो गई और मेरी वाइफ ने मुझे बड़ा इंकरेज किया उसने बोला कि भाई आप ये कर तो रहे हो लेकिन दुनिया को भी तो दिखाओ ना सही बात है तो मेरा उन्होंने ब्लॉग बनाया और उस टाइप पर ब्लॉग वगैरह चलते थे और एक नई चीज आई थी फेसबुक के तो बाद में आया एक आउटपुट करके आउटपुट आउटकट और कुछ हाँ वो वो आया उसके अंदर मैंने डाला कुछ और ब्लॉग के अंदर मैंने पेंटिंग्स डालने शुरू करी और लोगों को बड़ा मजा आया देखकर कौन है आदमी यार ये पेंटिंग जो कर रहा है पेंटिंग और बड़े बढ़िया वाटर कलर्स कर रहा है तो मैं धीरे 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 करके लोगों के अंदर फैल गया एनसी मेरी अमित कपूर को जानना शुरू कर गए जी और सडनली फेसबुक भी आ गया मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं दो या नौ में आ गया था शायद ऐसा ही हुआ होगा है ना तो वो मेरे वाइफ ने मेरा अकाउंट बनाया और जो मैं काम करता था वो डालना शुरू कर दिया तो दाने तो मुझे I was not that much, मतलब कि एक आदमी होता है ना कि वो पेंटिंग ही कर रहा है उतना टेक्निकल सीज़न हाँ मेरी वाइफ भी पेंटर है जैसे लेकिन आ, वो उससे आठ साल छोटी है राइट तो उसको था कि यार ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है आ, इसके आप इसके अंदर डालो आप दुनिया आपको आप इतना बढ़िया काम करते हो कि आप वो भी पचास लोगों को देख रही थी लेकिन उसने उस लेवल के काम नहीं देखे सही देखे। का यार आप काम तो कर रहे हैं आपको लोग पहचानेंगे कैसे काम दिखाओ पहले सोशल मीडिया तो लोगों तक तो पहुंचो आप पहले सही बात है तो उन्होंने मेरा काम फेसबुक पे डालना शुरू किया और मैं तब ट्रेन की सीरीज बनाता था अच्छा ट्रेन के ऊपर मैं पेंटिंग्स करता था मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ दो हजार आठ नौ दस तो मैं पेंट करता था ट्रेन इंजन अच्छा तो वो इंजन की पेंटिंग्स बड़ी मशहूर सी होने लगी और आप बड़े बड़े साइज में बहुत बड़े बड़े साइज में भी मैंने पेंट करे और आप इमेजिन नहीं करोगे कि जब वो पेंटिंग्स मैं डालता था तो उसको लोग बहुत देखने शुरू कर गए और लोग जानना शुरू कर गए कि यार ये एक इंडियन आर्टिस्ट है जो इस तरह का काम करता है और वो मैं फेमस होना शुरू हो गया होना शुरू हो गया जी तो उन्होंने मुझे दो हजार तेरह की बात है शायद थाईलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जी और वो इवेंट आई थिंक मेरे ख्याल से वो आज तक मैंने उस लेवल का इवेंट नहीं देखा जिसमें वर्ल्ड के टॉप सारे आर्टिस्टों को वाटर कलर आर्टिस्टों को उन्होंने बुलाया मिलर अतानो इगोर सावा बड़े बड़े महान आर्टिस्टों को उन्होंने बुलाया वहां पर और मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला जैसे सिर्फ आप क्या बात और तीन चार और आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगी थी एग्जीबिशन में लेकिन बुलाया उन्होंने मुझे ही था क्या तो वो आ, मेरा एक्चुअली देखा जाए तो एक ऐसा टाइम था जब मेरा लाइफ में सडन चेंज आ गया वहाँ मैं वहाँ पर फर्स्ट ट्रिप था फर्स्ट ट्रिप था और मैं इतना डरपोक आदमी मैं सभी दिल्ली से बाहर जाने में डरने वाला अकेला जी मेरी वाइफ ने कहा रहे यार कब मैं गो मैं जाके देखो दुनिया की कहाँ है जी मैंने कहा यार मैं कैसे जाऊँगा इतनी दुनिया मतलब

आप बोल भी रहे हो उनके आगे और वो आप बहुत सही बोल रहे हो आप जो भी बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे आप 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 हो हाँ, रहे मेरा काम देखा मैंने उनका काम देखा मुझे इतना सीखने को मिला कि मुझे लगा कि मैं तो मैं करके आया कुछ भी नहीं ये एक ऐसे लोग हैं जी जो मजब मतलब, इतने आगे हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए जब वो पोर्ट्रेट करते हुए लिविंग जो वर्ल्ड का रिनाउ टॉप नोस्ट आपको मैं बोलूँगा ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोर्ट्रेट पेंटर उसके फिगरेटिव अगर आप पेंटिंग्स देखोगे बैले डांसर्स जो वो बनाता है वाटर वाटर कलर कलर गॉड आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई ऑयल में नहीं निकाल सकता जो वो वाटर कलर में निकाल रहा है क्या बात हुआ था तो वो भी कहाको देखने को मिला और बहुत सारे आर्टिस्टों को देखने को जब मिला ना कि यार इनके डिफरेंट टेक्निक से कहां से ये कैसे शुरू कर रहे तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ और मैं जब वापस आया तो मेरा बड़ा स्वागत हुआ यहाँ पर इंडिया में और अतानूर डोगन जो आई डब्ल्यू एस इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी की जो होल एंड सोल हैं, जो प्रेजिडेंट है फाउंडर है जी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि यार उन्होंने मुझे देखा कि यार इस बंदे में कुछ पोटेंशियल है जी इसको अपने साथ लेना चाहिए बिल्कुल तो मैंने उनको भी बताया कि हाँ यार इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ी है बिल्कुल है और यहाँ से हम बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं और दोबारा रिवाइव कर सकते हैं ये वो टाइम था जब वाटर कलर डेड हो चुका था hmm. कोई लोग वाटर कलर नहीं कर रहे थे क्योंकि सेल ही नहीं होता था और अगर सेल होता था तो उसके रेट बहुत ज्यादा नहीं होते कम होते होते वह सबसे चैलेंजिंग सबसे टफ मीडियम है वाटर कलर राइट वन बैक स्ट्रोक स्पॉइल एवरी एग्जैक्टली तो लोग करते ही नहीं ठीक है।, है तो इसको आर्ट की फॉर्म ही नहीं मानते थे, थे लोग जब मैं

पांच पांच लाख रुपए का अगर नहीं बिकवाया ना तो मेरा नाम है उस दिन मैंने ऐसा प्रण किया और मैं आपको सच बता रहा हूँ दिन है तेरह से लेकर आज तक मुझे पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग जानते हैं मुझे ऑलमोस्ट सारे ऑनर्स अवार्ड्स मिल चुके हैं नेशनल वाटर कलर सोसाइटी सिल्वर स्टार अवार्ड डी अवार्ड नॉर्थ वेस्ट वाटर कलर सोसाइटी वर्ल्ड के जितने अवार्ड्स हैं मैं सब ले चुका हूँ क्या बात है और अब मैं काफी सारी वार्� सोसाइटीज़ की वर्ल्ड के अंदर जो बहुत ही रेप्यूट सोसाइटीज़ सोसाइटीज हैं डेढ़ सौ है। साल सवा सौ साल पुरानी सोसाइटीज हैं उनके ज्यूरी पैलेस में हूँ और मैं एज अ वाइस प्रेजिडेंट इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी के अंदर हो मैं तेईस साल उससे काम कर रहा हूँ और आज हमारी एक सौ बाईस एक सौ पच्चीस के करीब हमारी ब्रांचेज हैं जी uh, पूरे वर्ल्ड में और uh, हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं और uh, तो 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 मैं बोलूंगा तो कि इंस्टीट्यूट है गैलरीज हैं लाइब्रेरीज हैं तो बहुत सारी चीजें जुड़ चुकी है और सारे लोग आज पूरे वर्ल्ड में जानते हैं मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं लगभग से करीब कंट्रीज घूम चुका हूँ आज भी मैं वही देखता हूँ यहाँ चला गया यार चला क्या ना यार ये क्या तो कल तक तो यार वही एक कमरे में रहने वाला शर्म आती थी अपने क्लासमेट्स को अपने घर में बुलाने के लिए कि यार इनको पता लगे यार ये बच्चा लड़का जो है हमारा क्लासमेट एक रूम में रहता है एक रूम में रहता है तो बड़ा उस जगह से निकल के यहाँ तक आने के लिए बढ़िया जगह कौन सी लगी आपको देखिए बहुत हाँ। सारी जगह है मैं ऐसे नहीं बोल सकता लेकिन मुझे आ, मैं सही बताऊँ तो यूरोप में मुझे स्पेन वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री स्पेशली आपने एक फिल्म देखी होगी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा हाँ 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 उस फिल्म के अंदर जी नॉर्थ स्पेन जिसको हम बोलते हैं कॉस्टा ब्रावा कोस्टा ब्रावा वो ज्यादा दिखाया और वो पैराडाइज है हर आर्टिस्ट को जिंदगी में एक बार जरूर जाना है। जैसे हम बोलते हैं ना बनारस जाना चाहिए अगर आप आर्टिस्ट हो तो यार एक बार ही बनारस जरूर जाना जरूर जाना, जाना। वो घाट का एटमोस्फियर वो जो पेंटिंग्स और वो जो आप सब कुछ और देखते हो आप जब अगर कॉस्टमरा हुआ गए ना तो आप वो देखोगे कि कितने पेंटर्स बैठे हुए और वो जगह आपको ऐसा खींचती क्योंकि वहां पर सन ब्रोडारी का घर था जी और है वो तो अब नहीं है बट वो म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया उस जगह को बोलते हैं उस आ, ब्रावा में उसका एक पर्सनल बीच भी है जो उस जगह को बोलते हैं पोर्टली गार्ड और गैस ब्रावा में है जहाँ पर उस फिल्म की शूटिंग हुई जी तो वो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा फिल्म देखने के बाद मेरी वाइफ और हम पहली बार देख रहे थे तो उसके अंदर वो गाड़ी में जा रहे होते हैं और पीछे से घोड़े भाग रहे होते हैं स्लो मोशन में तो मैंने कहा यार मेघा यार इस जगह जाना है यार क्या आवाज इस जगह जाना है यार तो आप यकीन नहीं मानोगे उस दिन सरस्वती जी मेरे मुंह पे थी क्या और फिर कब गए इस, इस बात के बाद थोड़ी टाइम के बाद हाँ। मैं मेरे अभी भी देखो तो बम्स आ रहे oh. <laughs> और मैं यकीन नहीं मारोगे वो जगह उतरा hmm. वही वही सीन मैंने देखी कि घोड़े रहे हैं hmm. वही चीज़ रिपीट हो रही है क्या इसलिए वो मेरी आज भी फेवरेट जगह है मैं उसको पहले ट्रिप को भूल नहीं पाऊंगा थाईलैंड के बाद मैं जब यूरोप गया hmm. तो डेफिनेटली वहां पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे डों का दे मतलब आप वहां जाओगे ना तो आपको आप तो, आप तो यंगस्टर्स बोलते हैं लेकिन तब के टाइम पर मैं आज से दस साल पहले की बात बता रहा हूँ तो वहां कुछ था नहीं वो लोग बोलना ही नहीं चाहते थे अच्छा लेकिन वो इतनी ब्यूटीफुल जगह थी वो चीजें चीजें मैंने दोबारा देखी है उस फिल्म के अंदर जो थी और मैंने कहा यार मैं जिंदगी जी लिया यार क्या होगा ये वो मैं जगह आ गया जो मेरे को लगता है कि आपका आर्ट ना बाहर आ सकता वो उस जगह ऐसी है कि आपको मन करेगा यार मैं कौन सी जगह बैठू अब मैं इस पर पेंट करूँ या इसको करूँ क्या करूँ मैं तो वो मेरे सारे सब्जेक्ट्स मुझे वहाँ मिल गए तो आर्टिस्ट के पैराडाइज अरे बिनशूट वो एक ऐसी जगह है मैं सबको बोलूँगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस बेन का टूरिज्म उस फिल्म की वजह से इतना बढ़ गया कि आज भी वो इस फिल्म को याद रखते क्या बात है टीम नोट कर लो ये याद आना जरूरी है ठीक <laughs> है तो आप वहां डाली का मैंने घर देखा और मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट को उनसे मिला और बर्मादानी फिर तो वो जिंदगी पलट गई मेरी क्योंकि वहां पर मुझे इनविटेशन मिला था से एक प्रोविंस है वहाँ पर हम यहाँ गाँव बोलते हैं वहाँ पर प्रोविंस होते हैं तो वो जगह जो थी वो अपने आप में गाँव की तरह नहीं लगती वो शहर से भी हमारे बहुत आगे हमारे से तो डेवलप भी है बहुत डेवलप है जी तो वहां पर मुझे जाने को मिला और वहां पर बड़ा ऑनर दिया उन्होंने मुझे और मैं फैम फेन में ऐसा आ गया कि सोशल साइट के अंदर सारे लोगों ने मुझे मेरे काम को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और वहां मेरे लाइव डेमोस्ट्रेशन दिए जो लाइव हुए पब्लिकली सब जगह डले वो आज भी अगर आप यूट्यूब में देखो तो मेरे मेरा कोई अपना चैनल नहीं है लेकिन मेरे जो वीडियोज आपको आप टाइप करोगे तो हर जगह मिल जाएंगे हर जगह देखेंगे तो वो चीजें गेम चेंजर था मेरा लाइफ का और वो मेरी जिंदगी पलटी और मैं इस तरह से करते करते आज आपके सामने हूँ और मैं इतनी कंट्रीज घूम चुका हूँ और मुझे मजा आ रहा है भगवान की दया से सब कुछ है अब जितना मुझे मिला है अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं बात सही बात है और मैं वो कोशिश भी रहा हूँ जी मेरा यही सवाल है कि अ, अब इस टाइम पे इंडिया के जो वाटर कलर आर्टिस्ट हैं इंडिया का जो वाटर कलर मीडियम है उसको बाहर किस तरीके से देखते हैं पहले जब मैं जाता था जी तो पहले में और अब में बहुत फर्क आ गया क्योंकि पहले बहुत ज्यादा सोशल एक्टिवली वही कर रही और ज्यादा लोग उसके ऊपर नहीं जी आज भी अगर आप बाहर जाओगे तो यंगस्टर्स की जगह जो काफी ओल्ड लोग हैं वो ज्यादा वाटर कलर्स कर रहे हैं उन्होंने सुना किया है वो पॉपुलर वाटर कलर मीडियम यंगस्टर्स में उतना नहीं है जितना ओल्ड लोगों में ओल्ड लोगों में तो मेरे जहा पर भी पूरे दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जी वो अब सिक्सटी है कुछ तो एट्टी फाइव नाइन्टी भी है। क्या है तो मैं आपको वही बोलूंगा कि वो हमारे कंट्री को देख आज बड़ा खुश होते है कहते हैं कि आपकी कंट्री में तो एक से एक वाटर कलर करने वाला आदमी है इतने बढ़िया आर्टिस्ट है आपकी कंट्री के अंदर कि मतलब पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस लेवल पे हमारी कंट्री ने तरक्की करी है वाटर कलर में क्योंकि जब हमने दो हजार बारह के अंदर कलर सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी ये हमारी अपनी सोसाइटी आई डब्ल्यू एस नहीं इंडिपेंडेंट तो जब मैंने ये सोसाइटी बनाई थी तब वाटर कलर डिक्लाई हो चुका था तब से लेकर आज तक शायद कोई सीनियर आर्टिस्ट भी ऐसा होगा जो वाटर कलर नहीं करता सब करते हैं ऑयल भी करते हैं तो वो वॉटर कलर भी करते हैं बिल्कुल अगर आप जॉन सिंगर सार्जेंट के काम देखो तो वो वॉटर कलर आर्टिस्ट नहीं था वो ऑयल में ही करता रहता जो लेजेंडरी पेंटर है जिसको देखकर हम सब ने उनकी बुक्स देखकर उनके काम देखकर आगे अपने आप को बढ़ाया जी तो वो वॉटर कलर एज अ वॉटर कलर पेंटर कभी भी फेमस नहीं थे वो तो स्मॉल लेआउट्स बनाता थे वॉटर कलर एंड और वो जब उनकी डेथ हुई उसके बाद वो सारा जब सामने आई चीजें उनको तो देखा अरे तो वाटर कलर ही इतने अमेजिंग है जो उन्होंने करें क्या तो उसकी बुक्स भी बन गई और वो पूरे फेमस हो गए फेमस तो मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि वाटर कलर एक ऐसा जादू और एक ऐसा मेजिकल मीडियम है जो सबसे ट्रेडिशनल है और सबसे टफ है और बहुत कम करने वाले इसके लोग अच्छे थे लेकिन आज उस टाइम से हमने जब इनिशियटिव स्टार्ट किया और हमने बड़े बड़े फेस्टिवल्स करे पूरी दुनिया में फेस्टिवल्स करे इंडिया ने हमने मैंने ऑर्गेनाइज करे एज अ क्यूरेटर एज अ ऑर्गेनाइजर जी दो हजार चौदह में पैदा किया फिर पंद्रह में किया फिर सत्रह में किया उन्नीस के अंदर किया तो ऐसे करते करते आज बड़ी सारी चीजें हो गई और बहुत लोग बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट बहुत सारी दुनिया के सामने बहुत लोगों के सामने फेमस हैं सर अब वाटर कलर कि जो आर्टिस्ट हैं इंडिया में हुँ. आप किन किन को पसंद करते हैं जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगता है जिनको आप सराहते हैं मैं अगर आपको सच्चाई बताऊँ तो मुझे दो तीन ऐसे पेंटर्स हैं जो बहुत ही पसंद है आ, एक हमारे थे जॉन फर्नांडिस उनके काम को देखकर मुझे लगता है कि बहुत सारे महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस हुए जी और वो उसी स्टाइल का काम करते हैं अभी आज भी करते हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती थी लेकिन बंगाल का अगर हम देखें तो बंगाल का एक अलग स्टाइल था जिसमें पानी डाल के और आप बोट्स बनाना और क्लाउड्स को बनाना जी वो चीज़ें आज धीरे धीरे करके वक्त बदला और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच में थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेशनिस्ट वे में Uh, uh, काम चेंज हो गया जो वर्ल्ड के रेंदाउट पेंटर्स हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा अभी तो वो उनके काम को देखकर आज हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और हमारे काम बदल चुके हैं और डेफिनेटली हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं जॉन फर्नांडिस का काम मुझे बहुत ही आकर्षित करता है और मैं जब भी उनका काम देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आ, मैं अगर इनका थोड़ा सा भी काम कर पाऊँ तो मेरी लाइफ सुधर देगी <laughs> जी मेरा सवाल ये था कि सर अभी के टाइम पर जो आर्टिस्ट हैं अभी जो बिजनेस है या फिर जो अच्छा कर रहे हैं उनमें से किन का काम बिगनर्स तो मैं नहीं जानता बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो जो एक लेवल पे हैं प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं मैं कोई लेवल डिफाइन नहीं कर सकता किसी का भी कि कौन कितने लेवल पे है ऑब्वियस यहाँ पर लेवल पर डिफाइन करा जाता है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं ठीक है, <laughs> थीक है? थीक। क्योंकि मेरी नजर में वो जिनके फॉलोअर बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं सही बात है आप समझ रहे हो जो दिन रात सिर्फ रील्स या पोस्ट डाल रहा है Hmm. वो उसका है। मैं, मैं ये नहीं कि वो 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 उसका उसका मैं ये hmm. नहीं नहीं कहूंगा कि कि गलत है लेकिन कर काम और जरूरी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है hmm. बहुत सारे ऐसे अच्छे आर्टिस्ट है जो आज भी हिडन है hmm. और वो पब्लिकली सामने नहीं आए अगर मैं यंगस्टर्स में बात करूँ तो मुझे मधुसूदन का काम बहुत अच्छा लगता है मधुसूद वो, बहुत बढ़िया काम करता है गांव के वो सीन्स आ रहा है हुँ. और वो जब भी मिलता है मुझे उसको देखकर बड़ी खुशी मिलती है कि वो बड़ा अच्छा काम काम कर रहा है राइट ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको जिनका काम देख मुझे वाक्य में लगता है कि मजा आ गया यार ठीक है तो जब आ, हम कॉलेज से बाहर निकले थे तब मिल मलिक की बुक्स हुँ. मार्केट के अंदर थी लेकिन उनकी सिम्प्लिसिटी उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनका एक सिंप्लिसिटी का काम वो बड़ा मजेदार लगता है बिल्कुल जो वो पहले पुणे के जो हा घर बनाते थे लाइट एंड शेडो के साथ काम करते थे या पानी भाग के करते थे वो मुझे आज भी याद है वो बड़ा मजेदार था बिल्कुल जो आज है उससे ज्यादा मजेदार मुझे वो उनके पहले के काम लगते थे तो मुझे वो भी टाइम याद आता है कि वो मैं जब काम देखता था तो बड़ा मजा आता था आज तो हम मिलते हैं मिलके पेंट करते हैं सारे तो वो एक अलग टाइम आ गया तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट मैं बोलूंगा इंडिया के अंदर है जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप नाम लेते सर लोगों का राजेश सावंत थोड़ा सा बॉशी करता है जी। राजेश सावंत का बड़ा अच्छा काम है मिलिंद बताया मिलिंद मलिक बड़ा अच्छा काम करता है हमारे विजय जी हैं विजय जी मुझे लगता है कि एक्रेलिक में ज्यादा स्ट्रोंग है अच्छा हाँ और वाटर कलर वो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनका मुझे जो एक का काम है वो ज्यादा फैसिनेट करता है जब मैं उनका काम देखता हूँ जी राइट और भी राजकुमार सतापति वो बड़ा अच्छा काम करता है आ, हमारे मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा एक आर्टिस्ट है जो विजय आर्चरेकर विजय आर्चरेकर को लोग नहीं जानते लेकिन अभी हमने लास्ट टाइम उनको अपने फेस्टिवल में बुलाया था बेस्ट आर्टिस्ट नियन आप अगर कलर देखोगे hmm. तो आपको देखकर एक अलग ही आनंद आया कमाल आप इतने कम में क्या दिखा गया विजय तो आचार्य की आ, क्लासिक है हमारे वासुदेव कामत जी तो लेजेंडरी पेंटर ही है तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जो अच्छा काम कर रहे हैं जी और मुझे लगता है की इनका नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग उनको देख भी रहे हैं जी और देखना भी चाहिए सर मेरा सवाल ये है कि एक बिगनर अपनी कला की जर्नी को स्टार्ट करे और उस पॉइंट तक लेकर कैसे जाए जैसे आप अभी कर रहे हो वो वर्कशॉप्स कैसे दे पाएगा या इतना अर्न कैसे कर पाएगा एक बिगनर के लिए पहले तो मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा यार मैं थोड़ा बोलता दा दादा अच्छा तो ये 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 जो चीज़ होती है ना कि आर्टिस्ट के अंदर इतनी चीज़ें भरी हुई होती है ना जी वो जब उसको ऐसा मौका मिलता है ना कि आप तो उससे कोई पूछा यार सर बताओ ना इसके बारे में बस तो हमारी गाड़ी जो है ना बस एकदम से स्टार्ट हो जाती है वो यार आज इसमें पेट्रोल पूरा ही भरा हुआ है अब चालू जी लेकिन अभी जितना भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें वो मेरी थी अब आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मैं चाहूँगा कि उसके ऑनेस्टली आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ कि जिससे कि आज के यंगस्टर्स को किस तरह से फायदा हो सकता है बिल्कुल है ना तो डेफिनेटली ये जितनी सोशल साइट्स के इंस्टाग्राम हो गया फेसबुक हो गया बहुत सारी चीजें और भी छत्तीस तो है वो इसके अंदर जरूर डालो इन साइट के अंदर ये जो सोशल साइट्स हैं लेकिन अब इससे भी पहले एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि हमारी प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर इंक्लाइंड हो गए हम बनाते बाद में डालते पहने तो वो चीज मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक होती है जब आप बहुत ही कैजुअल चीजें डालोगे ना तो आप कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ सकते दुनिया आपको पहचान नहीं पाएगी सही बात है तो आपको एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा आप जितने भी आर्टिस्ट के मैंने अभी नाम बताए वो ने अपने तरीके से कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव किया तभी वो दुनिया के सामने तक आए तभी आप उनको प्यार करके सही बात है राइट मेरे अगर कोई काम पसंद करता है वो इसलिए करता है कि यार मैं हर बारी कुछ ना कुछ एक ऐसी स्ट्रॉग चीज डालता हूं जो उनको देखने, देखने में मजा आता है सही बात और उस स्ट्रॉग चीज का मतलब मेरे लिए ये है कि ड्रॉइंग स्किल्स द्रौइंग 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 स्किल्स अगर आपके चौपट है ना फिर बॉस आप आगे बढ़ नहीं पाओगे सही बात है आप मेरे से ज्यादा एग्जीक्यूशन अच्छा करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं जिसका कमांड वाटर कलर में क्या ऑयल में क्या कितने भी मीडियम से बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल लेकिन उनकी ड्रॉइंग स्ट्रांग नहीं तो जब आप पेंटिंग को देखते हो तो आपको लगता है यार समथिंग इज मिसिंग इन दिस तो आप कहते ठीक है यार ओके गुड ब्यूटिफुल लेकिन आप उस आर्टिस्ट को याद नहीं रखते सही बात आप आर्टिस्ट को तभी याद रखते हो जब वो आपको कुछ सिखा जाए हुँ. आपको कुछ दे जाए ये दुनिया ही यही है, है जब तक आप किसी को कुछ दोगे नहीं ना तो वो आप तक आपसे जुड़ेगा सही बात है तो आपसे वो तभी जुड़ेगा जब आप कुछ ना कुछ उसको सिखा पाए तो आपके काम में वो दम होना चाहिए जब आप सिखा पाओ आज के बच्चे क्या हो गया कि वो सही ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना ये सोशल साइट्स है बहुत बढ़िया चीज अगर यूज किया जाए तो अगर ढंग से इसका यूज किया जाए सही बात अगर आप इसका मिसयूज करना शुरू कर दोगे ना तो फिर वो जमे नहीं बात तो अभी मैं यही बोलूंगा मेरा मैसेज भी यही है कि अगर आगे बढ़ना है तो पहले ड्रॉइंग की जीत हो बिल्कुल वो, और वो जो कॉम्पोजिशन की सेंस नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ प्ले करना और ये सारी जो चीजें हैं आपने ढंग से उसको एक सही मोती को पेरो ना एक तो वो एक अच्छा आउटपुट बन के आएगा exactly. और ये सोशल साइट्स आपको वो आगे बढ़ा देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते